गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। टुडेज टॉपिक इज एनसर्किल द ऑड वन आउट। देखो बच्चों, हमने आपको ये हिंदी में भी करवाया था और ये इंग्लिश में भी है आपके। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। एक लाइन में जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उन्हें हमें ध्यान से देखना है। ये क्या लिखा हुआ है? ई। ये क्या है? ई। ये भी क्या है? ई। लेकिन ये क्या है? एफ। और ये क्या है? ई। तो हमें जो सेम हैं उन्हें अलग और जो एक अलग है इनमें से उसके ऊपर हमें सर्कल बनाना है इस तरह से। बाकी सारे ई हैं लेकिन ये क्या है? एफ। तो हमने इसके ऊपर क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। इसी तरह से यहाँ पर ए ए वी ए ए। तो यहाँ पर क्या है इस लाइन में? सारे ए हैं लेकिन एक क्या है? वी। तो उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? इस तरह से सर्कल बना देंगे। इसी तरह से आपको भी देखना है इन लाइनों में कौन सा अलग है, उसके ऊपर सर्कल बनाना है और आपको इस तरह से इस पेज को कंप्लीट करना है, इस एक्टिविटी को अपनी अपनी इंग्लिश की कॉपी में। ओके चिल्ड्रन। बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सी द पिक्चर एंड राइट द करेक्ट अल्फ़ाबेट। ये टॉपिक हम आपको करवा चुके हैं, आज हम आपको इसका रिवीजन करवा रहे हैं। ये पिक्चर्स हमने कुछ यहाँ पर मैंने चिपका रखी हैं। आप आपकी मम्मा के पास अवेलेबल हो तो चिपका भी सकते हैं या फिर इन पिक्चरों को बना भी सकते हैं। इनको बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी है, पिक्चर देख करके इसका फर्स्ट लेटर लिखना है। जैसे ये लॉइन है तो लॉइन का एल यहाँ पर लिखना है। जैसे ये एप्पल है तो एप्पल का ए यहाँ पर लिखना है। ए फॉर एप्पल तो ए लिखना है। के फॉर काइट तो के लिखना है। एच फॉर हैन तो एच लिखना है। एम फॉर मंकी, एम फॉर मैंगो भी हो सकता है। हमने आपको एक एक लेटर की तीन तीन स्पेलिंग्स आपको बताई है, तीन तीन मीनिंग्स बताए हैं। तो आप हम कुछ भी दे सकते हैं तो आपको सारे लर्न करने हैं। एम फॉर मैंगो भी हो सकता है, एम फॉर मंकी भी हो सकता है ना। इस तरह से ये एम फॉर मंकी, ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग भी हो सकता है। इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है टेस्ट के लिए, क्योंकि अब हम आपके टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा इसकी, अपनी मम्मा से पिक्चर बनवा करके इसे बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा। ओके।